खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंस अल्ताफ सैन की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर फूड ऑफिसर मार मुदस्सर नजर काठिया FGI ने कहा कि कमीर शरीफ PR सेंटर तमाम टारगेट अचीव करेगा। किसानों का काश्तकारों से 1,00,000 गंदम बोरी खरीदी जाएगी। किसानों छोटे जिम्मेदारों को तरजीह देते हुए सिर्फ मियारी गंदम गवर्नमेंट रेट्स पर खरीद कर रहे हैं। सेंटर पर किसानों को बेहतरीन सहूलियात दी गई हैं। ये बात मार मुदस्सर नजर काठिया ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर और DFC की क्यादत में अपने फ्राइज मनसबी अदा करने के लिए कोशिशें हुई। गंदम खरीद के फौरी बाद बैंकों के जरिए अदायगी कर दी जाती है। इस मौके पर किसानों जिम्मेदारों ने मार मुदस्सर नजर काठिया की पेशा वराना खिदमात को काबिले सताइश करार दिया और कहा कि बारदाना भी ओपन दिया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार मुदस्सर नजर काठिया साहब इंचार्ज ऑफिसर कमीर शरीफ गंदम ख़रीदारी मराकज के इंचार्ज हैं, इनसे बात करते हैं। वो हमें बताएंगे कि कितना टारगेट दिया गया है महकमे की तरफ से और किसानों को क्या सहूलियात मैसर हैं। जी वालेकुम सलाम जी, हमारा टारगेट जो है वो 1,00,000 बोरी का है। उसमें से हमने तकरीबन 50% जो बारदाना है वो किसानों को कर दिया जारी और जो है 35% वो हमने परचेज़ कर ली है। तो किसानों के लिए हमने चेयर्स बैठने के लिए और साया और ठंडे पानी का जो है इंतजाम वगैरह वो हमने सब किए हुए हैं। तो किसी किस्म को किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो लेकिन हमारे जो DFC साहब हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके जो मातहती में हम सारा ज़िला ही बहुत अच्छा काम कर रहा है और इंशाल्लाह ताला हमारे ज़िले का टारगेट जो है हम वो अचीव करेंगे इंशाल्लाह। फौरी पेमेंट कर रहे हैं बैंकों के ज़रिए? जी जी जी, हम जो FA की जो क्वालिटी जो है वो हम ख़रीद रहे हैं और फौरन ही जो दूसरे दिन हम जो लोगों को किसानों को हम बिल बना के दे देते हैं और फौरन ही वो बैंक से कैश हो जाता है। तो किसी किस्म की कोई उनको पेमेंट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह, गुर की अस्पताल लाहौर में कैंसर के मरीजों का इलाज साइबर नाइफ के जरिए शुरू कर दिया गया है। गुर की अस्पताल गुज़श्ता कई दहाइयों से गरीब मरीजों को इलाज की मुफ्त सहूलियात फ्राहम कर रहा है। आइए आगे बढ़िए और अपनी ज़कात व अतियात देकर जिंदगी से मायूस लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने में गुर की अस्पताल का साथ दें।